मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। कलवा मुमरा के विधायक जितेंद्र अवहट ने मुमरा और कलवा के लोकल ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्रियों को हो रही परेशानी को लेकर विधानसभा में आवाज उठाई है। आपको बता दें कि कलवा मुमरा में दो दो लाइन बढ़ने के बावजूद भी मुमरा और कलवा के जो रेलवे यात्री हैं उनको इसका फायदा नहीं हो रहा है। मुंबई की तरफ जाने वाली लोकल ट्रेन पहले से ही भरी हुई आती है, उसमें कलवा और मुमरा के यात्री चढ़ ही नहीं पाते हैं। विधायक जितेंद्र अवहट ने कहा है कि अगर मुमरा और कलवा के यात्रियों का जल्द ही हल नहीं निकाला गया तो एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा। कलवा मुमरा में दो दो लाइन बढ़ने के बाद भी एसी ट्रेनों की संख्या बढ़ा दी गई है और नॉर्मल लोकल ट्रेन कम कर दी गई है। सुबह के वक्त काफ़ी भीड़ भाड़ होती है जिससे यात्री मुंबई की तरफ नहीं जा पा रहे हैं और भीड़ भाड़ और जल्दबाजी होने की वजह से हादसा भी होता है जिसमें यात्रियों की जान जा रही है। विधायक जितेंद्र अवहट ने मांग की है कि नॉर्मल लोकल ट्रेन बढ़ाई जाए और एसी वाली लोकल ट्रेनों का किराया भी काफ़ी ज़्यादा है, लोग एसी में सफ़र नहीं कर पाएंगे। लाखों यात्री हर रोज़ लोकल ट्रेन से यात्रा करते हैं। कलवा में पिछले दिनों आम जनता ने एसी लोकल ट्रेन रोक दिया था, रेलवे पटरी पर उतरकर ये विरोध प्रदर्शन करने लगे थे। विधायक जितेंद्र अवहट का कहना है कि अगर कलवा और मुमरा के यात्रियों को लोकल ट्रेन की बेहतर सुविधा नहीं दी गई तो एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा। आपला आभारी है अध्यक्ष महोदय। या सभागृहाच्या द्वारा पूर्ण महाराष्ट्राच्या लक्षात येईल की मागचा गुरुवार आणि आज सातत्याने कळवा स्टेशनवरती हजार हजार मध्यमवर्गीय लोक आंदोलन करत आहेत। त्याचं कारण असं की एसी ट्रेन्स वाढवल्या आहेत आणि म्हणजे ज्या नॉर्मल ट्रेन्स आहेत त्या कमी झाल्या आहेत। एसी ट्रेनचं भाडं हे कळवा टू विटी रिटर्न तिकीट 200 रुपये आहे आणि महिन्याचा पास जो सामान्य माणसांचा आहे तो 215 रुपये, त्याच्यामुळे लोकांच्या मनात उद्रेक आहे आणि हा उद्रेक पूर्ण मुंबईत दिसतोय। कळव्यात न बोलवता 700 लोक येणं हे माझ्या दृष्टीने त्यांचा प्रतिनिधी त्यांना आश्चर्यकारक आहे। शासनाने हा प्रश्न गांभीर्याने घ्यावा, ह्याचा कायदा आणि सुव्यवस्थेमध्ये हे रूपांतरित होऊ शकतं आणि त्या लोकांना न्याय द्यावा। ते सगळी मराठी माणसं आहेत, कामावर जाणारी माणसं आहेत, एक 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 सुट्टी पण त्यांना परवडणारी नाही, त्यांचा संसार चालू शकणार नाही। आपण ही बाब गांभीर्याने सरकारला घ्यायला, शासनाने नोंद घ्यावी आणि उपाययोजना करावी। नोंद घ्यावी, या विषयाची नोंद घ्यावी आणि नेसेसरी असेल ती उपाययोजना त्वरित करण्यात यावी। महिन्यात 180 लोक मेली आहेत मुंबरा आणि कळव्याच्या मध्ये, 180 लोक म्हणजे 7 दिवसाला 2 लोक मरतात। अतिशय महत्वाचा आणि गंभीर विषय सन्माननीय सदस्य जितेंद्रजी अवहट यांनी आज सभागृहात मांडलेला आहे, त्याची शासनाने त्वरित नोंद घ्यावी आणि जी नेसेसरी असेल ती उपाययोजना करावी।